शाहदरा जिले की साइबर थाने की टीम ने ऑनलाइन गेमिंग धोखाधड़ी के एक गिरोह को पकड़ा है। ये गिरोह ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर पीड़ितों से ठगी करता था। पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 21 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप, 25 सिम कार्ड और 2 बैंक कार्ड बरामद किए हैं। इनकी गिरफ्तारी से 5 करोड़ रुपए से अधिक का मनी ट्रेल मिला है। शाहदरा जिले के डीसीपी रोहित मीना ने बताया कि शिकायतकर्ता मयंक रहेला निवासी गांधीनगर ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई कि उसने टेलीग्राम पर एक संदेश पढ़ा कि 3 घंटे के भीतर निवेश 2 गुना हो जाएगा, तो उसने वहां 20,000 रुपए का भुगतान किया, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला और उसे किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा धोखा दिया गया। उनकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू की गई। पुलिस की एक टीम का गठन किया गया। टीम ने सीडीआर और व्हाट्सएप चैट समेत तमाम जरूरी जानकारियां जुटाई। सभी बैंक विवरणों और धोखेबाजों के नंबरों का विश्लेषण किया गया। गहन विश्लेषण के बाद और तकनीकी साक्ष्य के माध्यम से रोहिणी के सेक्टर 16 स्थित चिन्हित स्थान पर छापा मारा गया। जांच के दौरान पाया गया कि शिकायतकर्ता का पैसा झारखंड के खाते में स्थानांतरित कर दिया गया था और फिर से दिल्ली के जहांगीरपुरी के आईसीआईसीआई बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिया गया था। कथित आईसीआईसीआई बैंक खाते के पंजीकृत नंबर की सीडीआर और लाइव लोकेशन के आधार पर टेलीग्राम निवेश धोखाधड़ी गिरोह के 8 सदस्यों को रोहिणी से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान आरोपी व्यक्तियों ने खुलासा किया कि वे पीड़ितों से व्हाट्सएप पर संपर्क करते थे और उन्हें निवेश और ऑनलाइन गेमिंग के जरिए पैसे कमाने की पेशकश करते थे। उसके बाद वे पीड़ितों को टेलीग्राम में जोड़ते और प्रतिनिधित्व करते हैं कि ग्रुप के अन्य सदस्य कम समय में अच्छा लाभ कमा रहे हैं। पीड़ित उनके झांसे में आ जाता है और उसके निर्देशानुसार पैसे ट्रांसफर कर लेता है और अपनी गाड़ी कमाई गवा बैठता है। वह पीड़ितों को ऑनलाइन गेमिंग के जरिए पैसा कमाने का लालच भी देते हैं। वह उन्हें गेम खेलने के लिए अपनी वेबसाइट का लिंक भेजते हैं। यदि कोई व्यक्ति जीत जाता है तो जब पीड़ित पैसे मांगता है तो वह पैसे के बदले उन्हें अपने खाते में सिक्के दे देते हैं। उसके बाद वह उसका जवाब देना बंद कर देते हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से 21 मोबाइल, 25 सिम कार्ड, 2 लैपटॉप, 4 बैंक कार्ड और खातों में अब तक 5 करोड़ से अधिक के मनी ट्रेल का पता चला है। सभी आरोपियों की पहचान आकाश, ऋतिक, तुषार, भीम कुमार उर्फ जीतू यादव, समीर खान, तारिक अंसारी, गुलाम मोइनुद्दीन और मोहम्मद शोएब के रूप में हुई है। पुलिस को अब तक विभिन्न राज्यों की कुल 5 शिकायतों की पहचान की गई है। इन आरोपियों की जांच में 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का मनी ट्रोल मिला है। इसी तरह की पिछली घटनाओं का पता लगाने के लिए आगे की जांच चल रही है। वर्कआउट किया है, इसमें मयंक रहेला नाम के एक कंप्लेनेंट थे। उन्होंने अपने टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू उन्होंने एक वहाँ पे इन्वेस्टमेंट डबल करने के लिए वहाँ पे किसी आदमी से कांटेक्ट किया, तो उन्होंने उस आदमी को 20,000 रुपये ट्रांसफ़र किए और उसके बाद आदमी उसने रिटर्न नहीं किए। इसमें हमने चीटिंग का केस दर्ज करके इन्वेस्टिगेट किया। इसमें जब हमारी टीम टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इन्होंने रोहिणी में रेड करी तो हमें इसमें 8 क्रिमिनल्स हमें मिले जो कि एक कॉल सेंटर रन कर रहे थे वहाँ पे। इन 8 क्रिमिनल से हमें 21 मोबाइल फ़ोन, 25 सिम कार्ड, 2 लैपटॉप और 4 बैंक के डिटेल्स मिले हैं। ये काफ़ी और लगभग इसमें जो अभी जो शुरुआती जांच में पता चला है लगभग 3.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन है बैंक अकाउंट्स में। और ये जो है और भी कई तरीके की ये जो चीटिंग करते थे, इसमें जो 8 लोग अरेस्ट किए हैं ये छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र इन सभी जगह से हैं। और ये जब वहाँ रेड करी गई तो एक कॉल सेंटर रन कर रहे थे। अभी इन्वेस्टिगेशन शुरुआती दौर पे है और इसमें हम फर्दर इसको अभी तक हम जो हमारे NCRP पोर्टल होते हैं, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, उसमें 5 कंप्लेंट्स को हम लिंक कर पाए हैं। फर्दर इन्वेस्टिगेशन इसमें अभी जारी है, अभी जो जाँच शुरुआती दौर पर है। ये रोहिणी इलाके में हमारे ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर लोगों के साथ ठगी करने वाले गिरोह के लोगों ने मासूम लोगों के साथ लाखों का चूना लगाया था। पुलिस को जब जानकारी मिली तो पुलिस ने जाल बिछाकर 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और भेज दिया है जेल। कैमरामैन हिम्मत के साथ राकेश रावत, टॉप स्टोरीज दिल्ली। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से राकेश रावत की रिपोर्ट।